सीधी खबर आ रही है विधानसभा क्षेत्र चुनावपुर से। जीता कोई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैपिटलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट लटकन लाल हार चुके हैं। आज ही हार चुके हैं। पक्साला फिर 5 साल के लिए गया। अब ढोंग करो फिर से अगले 5 साल कि भैया मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, अगली बार मेरे को वोट देना। किस्मत ही खराब है यार। और तुम क्या लेने आए हो अब यहां पे, मेरा मजाक उड़ाने, मेरे पे हंसने आए हो? चुप रहो बे, हम क्यों हंसने लगे तुम पे? हम भी तो आ रहे हैं ना। हाँ, हम तो पहले ही बोले थे तुम्हें, हमारे साथ रहो, हमारे लिए काम करो, इस बार हमको विधायक बन जाने दो, अगली बार तुम्हें बना देंगे। पर नहीं, साहब को तो इसी बार बनना था, चले गए दूसरे विधानसभा क्षेत्र, खड़े हो गए मेरी अपोजिट पार्टी से। ये बात अलग है कि कम से कम हमारे खिलाफ खड़े नहीं हुए तुम। करवाया है तुम भी अपना मुंह काला? देखो यार, फालतू बात तो करो मत हमसे, पहले ही साला दिमाग खराब है, समझ में नहीं आ रहा कि भतीजे को जाके क्या बोलेंगे। उससे अब कब से डरने लगे तुम मांगीलाल? अबे डरते वरते नहीं है उससे, मतलब प्यार बहुत करता है हमसे, टी शर्ट बनवा लिया है, चाचा विधायक है हमारे। अब खुद सोचो कितना बुरा लगेगा, क्या बोलेंगे यार उससे जाके। छोड़ो यार अभी ये सब। अरे भैया जी नमस्कार, नमस्कार आप दोनों को, बहुत बहुत नमस्कार। साले तुम दोगले आदमी यहाँ कर क्या रहे हो? अब भैया हम तो सोचे कि हार तो गए हैं, कहाँ छुप के बैठने का मतलब है, सोचा मिलेंगे आप लोगों से, वो कहते हैं ना गम बांटने से कम होता है, तो गम बांटने आ गए। मांगी मैं बता रहा हूँ, इसको बोल अभी यहाँ से चल जाए, वरना मेरे हाथों है ना इसकी हत्या हो जाएगी, हत्या। साले तुम क्या गम बांटोगे? अबे तुम ही हमारे गम का कारण बने हो, पता है तुम्हें, चूतियों के सम्राट। तुम साले हमारे खिलाफ खड़े नहीं होते तो शायद आज हम जीत गए होते। अला क्षेत्रीय पार्टी वाला क्या समझे ये सब। भैया जी देखिए हम बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे बोल दे रहे हैं, गाली दे दीजिए हमें, हमारी पार्टी को क्षेत्रीय मत बोलिए यार। अब हम एक जगह थोड़ी, अब तो हम काफी सारी जगह आ गए ना। और सुनिए ना, मानते हैं हमारा मुखिया थोड़ा गुड़कना लोटे की तरह है, जो सुबह आप लोगों को गाली देता है, शाम को बोलता है कि हाथ मिला लो, और जब आप धत्कार के भगा देते हैं तो फिर बोलता है कि तुम तो हरामी हो, तुमसे काहे हाथ मिलाएंगे। हम समझ रहे हैं कुछ तकलीफ है उन्हें, पर फिर भी हम आप लोगों की तरह नहीं है ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं सर, इंजीनियर डॉक्टर, हम समाज सेवी टाइप के लोग हैं, आपकी तरह थोड़ी है जो बोल देते हैं कि भैया मशीन में से हम इस तरफ से डालेंगे गन्ना और उधर से निकलेंगे हीरे। एग्जाम्पल मैंने बदल दिया है थोड़ा, लेकिन हम ऐसी हरकतें तो नहीं करते ना। हाँ पता है हमें कि आपने नहीं बोला था, लेकिन मीम तो बहुत मस्त था। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ना तो कोई हमसे बोले, ना हमसे कोई कुछ पूछे, हम बस यहाँ बैठे हैं चुपचाप, तुम अपनी बकवास कंटिन्यू रखो। क्या है अभी ये? अभी तू दीन दुखिया सही तेरा नाम रखा गया है, पता है तू और तेरी पार्टी दोनों साली रोतलू हैं। पर मैं क्या बोलूं यार अब पार्टी पे, मैं तो खुद अपनी वाली से परेशान हूं। बोला था मत भेजो अपने स्टार प्रचारक, मैं संभाल लूंगा, पर नहीं, आला कमान से आएंगे स्टार प्रचारक। साला सुनता कौन है मेरी, आए थे ऐसा भाषण देके गए, वोटर्स तो मिले नहीं पर साला मीम्स बहुत मिल गए। और मांगी ज्यादा दांत ना निपोरो तुम, साले मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, तुम ही लोग हो जो पूरे भाषण का आधा आधा क्लिप काटते हो और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हो सबको, और जनता तो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली, साला उसी को सच मान लेती है और लग हम जैसों की जाती है। अरे भाई तेरे यहाँ कम से कम ये तो है ना कि जीते तो पूरा क्रेडिट तुम्हारा और हारे तो पूरा क्रेडिट इनका डब्बू ले लेता है, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हारे तो हम हारे, जीते तो भैया पौधी लहर चल रही है। ये भी सही है। ओ राजमंत्री साहब,
ये पागलों की तरह क्या हरकत कर रहे हो, क्या गिन रहे हो बार बार ये? देखो यार, हम सब साथ में स्कूल में पढ़े हैं और मैं मैथ में बहुत अच्छा था, इवन टॉपर था, मानते हो ना ये बात? हाँ, पर उससे इसका क्या मंत्री साहब? अरे बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद कम से कम 50 लोग मेरे से मिले और 50 के 50 लोग ये बोले कि भैया मैंने और मेरे परिवार ने आप ही को ही तो वोट दिया है। अब एक बार के लिए मान लो कि एवरेज वोटर्स उनके परिवार में 5 हैं, तो 50 × 5 कितने वोट हो गए? 250। और 20 वोटर तो मेरे ही परिवार के हैं, मतलब 20 वोटर्स, तो 250 + 20 कितने हो गए? 270। मतलब मेरे को 270 वोट तो मिले होंगे, है ना? ओ मंत्री साहब, ये विधायकी का चुनाव है, पार्षद का नहीं है, जिसमें 20-30 वोट गिन रहे हो। क्या तू कह इन बातों का? अब आप बीच में ना बोल, पहले जो बोल रहे हैं वो सुनो। तो हम बोल रहे थे कि 270 वोट तो कम से कम हमारे पास है ही है, जिसमें से 20 वोट कौन है? 20 वोट कौन से? मेरे ही परिवार के, मेरे परिवार के सदस्य। और रिजल्ट आया तो भाई यकीन नहीं करोगे, मुझे केवल 8 वोट मिले, 8। मतलब मेरे परिवार के लोगों ने ही मेरे साथ दगा कर दिया, दूसरों के तो मैं क्या बोलूं। अरे भैया, आपको तो अपनों ने लूटा, गैरों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वो कहा है कि वो कहावत याद आ गई थी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दमता। हमने सोचा कि फिट बैठ रही है, बोल देते हैं। अच्छा ही लगेगा, दो बातें होगी तो अपने बीच। खैर, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है आप लोगों के बीच बैठ के अब, क्योंकि आपकी आंखें पता नहीं शायद गुस्से के कारण या गम के कारण लाल होती जा रही है हमें देख देख के। तो एक लास्ट बात कि भैया, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि अब हम आगे से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं भी यार। मैं भी। अभी की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने बोला है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, इस वजह से री इलेक्शन कराए जाएंगे और पर्चा भरने की लास्ट डेट कल ही है। तो जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी करो।